एक दिन 12 टीम्स 6 मैचेस और मन में एक ही सपना कि फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स का ट्रॉफी हाथ में लेना। यही चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। मैं फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नेटवर्क के साथ एंड आज के वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे, क्यों फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स जीतना हर एक टीम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले थोड़ा सा सब्सक्राइब करता हूं। आप लोगों का नया गोल है 11K सब्सक्राइबर्स का एंड आप सभी लोगों को 10K सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। जल्दी जल्दी कोई वक्त न लाए शुरू करते हुए शुरू करना चाहेंगे आज का वीडियो। आज रात छठा मैप खत्म होने के बाद हमें पता लग जाएगा कि फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स का विजेता या फिर विनर कौन होगा या फिर कौन बन चुका है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, बट उससे पहले अब कुछ घंटे बाकी हैं फाइनल शुरू होने में। मैं एक ही चीज यहां पे कहना चाहूंगा कि 12 के 12 टीम्स हमारे टॉप पे चल रही है या फिर बॉटम में चल रही है लीग से, जिसके पॉइंट टेबल के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सब स्क्रैच से शुरू करेंगे, एक ही दिन होगा, 6 मैचेस का मौका मिलेगा उन सारे के सारे टीमों को। हाँ, कुछ टीमों के पास हेड स्टार्ट का एडवांटेज होगा, बट मेरे लिए या फिर मैं तो बोलूंगा अब सब के लिए ये 12 के 12 टीम विनर्स हैं। जो प्रेशर झेल पाएगा, जो सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे का फ्री फायर का गेम प्ले दिखाएगा वो जीत के चला जाएगा इस साल का फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स 2021। हर टीम के पास अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ हेड स्टार्ट पॉइंट लेके बैठे हुए हैं तो कुछ एक अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, एंड कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि देखिए बहुत जब अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है ना तो वो सारे टीम्स भी ना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि उनसे ना आप ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हो। जब आप किसी से उम्मीद नहीं रखते ना तो वो क्या करते हैं पता है, वो ये सोचते हैं यार हमसे ना हो पाएगा ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हम एलिमिनेट हो जाएंगे, हम हार जाएंगे, हम 12वें पोजीशन पे आ जाएंगे, उससे अच्छा हम हमारा बेस्ट क्यों ना दे दे, हम हमारा 1000% क्यों ना दे दे। एंड उसका जो रिजल्ट होता है ना बहुत अलग निकल के आता है क्योंकि वो निडर होके खेलते हैं। हमें पता है जो निडर होके खेलते हैं, जो अपना बेस्ट गेम देते हैं, वो हमेशा ऊपर आते हैं। स्पेसिफिकली आते हैं फाइनल्स के सिचुएशन में, मैंने ऑलरेडी मेरे टॉप 5 टीम्स टू वॉच आउट फॉर के लिस्ट में डाला हुआ है टीम्स के नाम। फिर से यहाँ पे टीम्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टोटल गेमिंग फाइनल्स के टाइम पे कोविड के साथ अफेक्टेड हो रहे हैं या फिर उनका तबीयत थोड़ा सा खराब है। अगर मैं यहाँ पे उनके जगह पे होता या फिर अगर मैं फौजी होता तो मैं सोच रहा होता कि यार एक दिन है, ये दिन में हम हमारा बेस्ट दे देते हैं, फिर तो कल से हम आराम कर सकते हैं, कल से हम रेस्ट ले सकते हैं। अभी जो एक डोमिनेशन, एक कांस्टेंट रन पे चल रहे थे टोटल गेमिंग की टीम, हालांकि कल ही जस्ट एक ऑफिशियल नहीं, एक थर्ड पार्टी टूर्नामेंट खत्म हुआ इस्लाम का, वहां पे 2 पॉइंट से जरूर से वो टूर्नामेंट जीत नहीं पाए, वहां पे निगमा गैलेक्सी ने 2 पॉइंट से जीता। कांग्रेचुलेशंस टू निगमा गैलेक्सी की टीम, बट टोटल गेमिंग की टीम जरूर से तैयार है, वो चौकन्ने है एंड फौजी जरूर से अपनी यू नो ट्रूप्स के साथ अपने जनता के साथ तैयार होंगे कि कैसे कल के मैदान में टीम के साथ डील करना। उसके बाद मंडे से वो आराम बिल्कुल कर सकते हैं, बस अपनी टीम पे विश्वास रखिए, वो आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहेंगे। एंड कभी भी ये मत करना कि वो अगर हार गए हैं तो वो खराब टीम है, उनको हेट दो, ये करो वो करो, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बस चिल करो, एंजॉय करो, फाइनल्स है, फाइनल स्ट्रीम पे आ जाओ, मजे करो हम लोगों के साथ क्योंकि हम लोग तो होंगे ही होंगे आपके साथ एंटरटेन करने के लिए। देखिए अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्यों है ये प्रो लीग विंटर्स इतना इंपॉर्टेंट हर एक टीम के लिए। अगर आप जीतते नहीं हो या फिर टॉप 6 में नहीं आते हो तो आपको फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप जो स्प्रिंग होगा, इसके आने वाला अगला टूर्नामेंट होगा, वहां पे आपको डायरेक्ट स्लॉट या फिर इनवाइटेड स्लॉट नहीं मिलेगा, आपको एफएफसी मोड जो उनका इन गेम क्वालिफायर होता है गरीना का, वो खेल के आगे आना पड़ेगा। वहां पे आप प्रेशर में आ सकते हो क्योंकि जो टीम्स बहुत दिनों से ये इन गेम क्वालिफायर्स नहीं खेले थे, उनको ये नई टीमों के कॉन्फिडेंस के बारे में, इनके परफॉर्मेंस के बारे में, इनके बारे में कुछ नहीं पता है, उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है। जो ऑलरेडी कुछ नामी दामी टीम्स फेस करेंगे जब वो एफएफसी मोड खेलेंगे, तो टॉप 6 में आना बहुत जरूरी बन जाएगा। टॉप 6 डायरेक्टली जाएगा एफएफआईसी के स्प्रिंग सीजन में, एंड आपको पता है कि एफएफआईसी में क्या होने वाला है क्योंकि इस साल वर्ल्ड सीरीज होने वाला है। ऑलरेडी मई के 14 तारीख को अनाउंस हो चुका है कि सेंटोसा कौन जाने वाला है, सेंटोसा मतलब बर्म्यूडा के सेंटोसा में या फिर थाईलैंड में जो सेंटोसा है वहां पे कौन जाने वाला है अपने देश का परचम ऊपर लहराने के लिए। क्योंकि मैंने एक चीज तो कहा, ये 2022 इंडिया के नाम होने वाला है, ई-स्पोर्ट्स के नाम होने वाला है। हालांकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा उनको जब इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट गिरेंगे वो,
बट जरूर से उनमें वो क्षमता है, उनमें वो पोटेंशियल है। FFIC जो जीतेगा वो डायरेक्टली FFWS मतलब फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के फाइनल्स में जाएगा, और जो सेकंड पोजीशन पे आएगा वो प्लेन्स में जाएगा। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन गरीना ने जरूर से बताए हैं, बट इनके सारे डिटेल्स आपको बाद में पता लग जाएंगे। इसीलिए फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स जीतना या फिर टॉप सिक्स में आना इतना जरूरी है कि एक से एक चीज दूसरे से तीसरा चीज कनेक्टेड है। एक चीज में अगर आप असफल हो जाते हो तो पूरे साल का आपका जो रोड मैप बना हुआ है ना वो बिगड़ जाता है, आपका दिशा भटक जाता है। बट कभी भी आप ये मत सोचना कि आप हार चुके हो, आप हमेशा विश्वास रखें आपके अंदर वो पोटेंशियल है, एंड आप जरूर से ये करके दिखाएंगे। इसी के साथ आई थिंक ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। एक ही दरख्वास्त है आपका, चैट में सिर्फ हार्ट स्पैम करे, इंडिया स्पैम करे, एंड आपके फेवरेट टीम का नाम स्पैम करे कि कौन आपके हिसाब से जीतने चाहिए। जरूर से मेरे को भी कॉम्पिटिशन में बताइए कि आपके हिसाब से कौन होंगे आपके फेवरेट टीम, जो आपके हिसाब से लगता है जो प्रो लीग जीत सकता है। कुछ ही घंटे बाकी है, कुछ ही घंटे बाद वो महायुद्ध शुरू होने वाला है, हम लोग सब मैदान में उतरने वाले हैं साथ में देखने के लिए कौन बनने वाला है फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स 2021 का विजेता। टिल देन गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है तो। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।